हेलो जी, कैसे हो? फिलहाल तो इसके ऊपर तो नहीं बैठ सकता है, बट आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है प्रॉब्लम, जब भी आप स्टेयरकेस बनाते, देखो सबसे ज़्यादा मिस्टेक तो स्टेयरकेस में ही होता है। ओके, जब स्टेयरकेस बनाते समय स्पेशली ये जो सेंटरिंग वर्कर्स रहते, देखो उनको आप लोग एक रिक्वेस्ट करना कि पहले ही बता देना, ताकि वो लोग आपके प्लेट्स ला सके। तो देखिएगा, उनके पास एक फिक्स्ड प्लेट्स रहते हैं 9 इंच का, 6 इंच का, तो वही हिसाब से जो है ना वो लोग स्टेप्स बनाते हैं। बट उनको क्या किया था, मैं एक रिक्वेस्ट किया था कि 1 फिट का मेरे को टप्पा होना, यानी कि थ्रेड जो है 1 फिट का होना, राइज़र जो है 7 इंच का होना बोल के मेरा डिमांड था। बट वो लोग मेरा बात नहीं सुने। फिर भी उनको, मेरा दिमाग में एक आइडिया आया, हमारे पास सिर्फ 6 इंच का ही प्लेट्स है, प्लस 6 इंच का ऐसा राइज़र में प्लेट है और 9 इंच का ही मिल जाता, आपके वो 7 इंच का नहीं मिलता बोले। तो मैं उनको एक बोला, चलो यार राइज़र तो 6 इंच है, ऐसा इसको राइज़र बोला जाता है, ये अगर आपके पास 6 इंच का है बोले तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ये तो एक फिट का बनाओ। देखिएगा, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। ये क्यों छोटा बनाया गया, बिकॉज मेरे पास जगह, इस ये जो एरिया है इंजीनियर उसे ही बोला जाता है, जहाँ तक लेबर सोचता, देखो उसके बाद जो सोचता देखो उसको ही इंजीनियर बोला जाता है। तो वो जो है चीज़ हम यहाँ पर एडजस्टमेंट किया गया। और ऐसा है, वो एक कहावत है, देखो सांप भी ना लकड़ी भी ना टूटे, सांप भी मर जाना, ऐसे एक कहावत है ना, तो वैसे ही समझो। कम जगह में एक अच्छे तरीके से इसको जो है ना, पहला हमारा प्लान में क्या है, ये डबल था, डबल ब्रिक का था, मैं वही सोचा अगर हम डबल ब्रिक का बनाएं तो स्टेयरकेस को इधर लेना पड़ता है, इधर हमारा 3.5 फुट आया। कभी भी देखिए, जब आप चलते देखो, कम से कम स्टार्टिंग में ऐसा फीलिंग आना कि हाँ यार मैं आराम से जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वो वाला फीलिंग आना चाहिए। और एक चीज़, जो भी वास्तु के अनुसार बनाना चाहते हैं बोले तो स्टेयर्स जो है ना एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहना, क्लॉकवाइज रहना। अगर बट कहीं जगह पे उसको जो है थोड़ा बहुत कुछ आप ये कर सकते हैं, अगर हम मैं क्लॉकवाइज लिया समझो, पूरा इसका बिगड़ जाता है, इसका पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता तो कई कई जगह पर जो है थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट होना पड़ता है। ओके, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा क्लॉकवाइज रहना स्टेयर के, सही बात है, बट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, बट आते वक्त आपको क्लॉकवाइज आता, एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए लिया गया, अगर यही स्टेप हम इधर लिए समझो, किचन में जाना है तो यहाँ से जाना पड़ता था, ये इतना इतना छोटा जगह रहता था, पूरा फेल हो जाता था। इसके नीचे एक बेसमेंट रूम है, वो पूरा फेल हो जाता, चौपट होता काम। तो कई जगह पर वास्तु का भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर थोड़ा एडजस्ट होना ज़रूरी है। तो ये स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो है राइज़र, फर्स्ट वाला राइज़र जो है 7 इंच का लेना चाहिए कभी भी। क्यों बोलो दोस्तों, 7 इंच का लेने से क्या होता है, हमारा जो ये टाइल्स वो सब डालते देखो कम से कम 2 इंच का आता, सो उसकी वजह से जो है ना इधर 1 इंच एडजस्ट हुए तो भी 1 इंच था। सो 7 इंच का लिए तो, फर्स्ट वाला जो है 9 इंच का लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके अलावा इधर जो राइज़र ये थ्रेड है ना, 1-1 फुट का लिया गया। 1 फुट लेने से फ़ायदा ये है, आपका पैर इसके ऊपर ना आप आराम से पैर रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों टाइप का हमारे पास स्टेयर्स है, एक जो है 1 फिट का है, एक जो है ना 9 इंच का है। तो अभी आप देखिएगा, अब नॉर्मली आजकल शूज़ पहनने के बाद ऑलमोस्ट 1 फिट का टप्पा आता, मैं यहाँ पे रख दिया, ये पूरा कवरअप हो रहा है। ओके, ये 1 फुट का है फुल, उन्होंने बोल रहा था सिर्फ 9 इंच का। अरे यार 9 इंच का मेरा पैर, मेरा खुद का ये चप्पल ही है 1 फिट का, तो मैं यहाँ तक कैसा, ये स्पेस कौन रखेगा। हाँ, तो ये 1 फिट का लिया गया। फिर उसके बाद ये जो है 6 इंच का, 5-5 इंच का एक ये आया, बट राइज़र जो है ना 6 इंच का आया है यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे छोटा वाला टप्पा। ओके, ये चलने में बहुत आसान और एकदम अच्छा वाला फीलिंग देता है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कम आता है, बट इसको स्पेस जगह ज़्यादा चाहिए। मैं आपको और एक टप्पा दिखाता हूँ, ये वाला जो टप्पा है ना, ये आता आपका 9 इंच का टप्पा, ठीक है, ये वाला जो है आपका 9 इंच का टप्पा है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ इसके ऊपर पैर भी रखा समझो, इतना गैप आ रहा है। ओके, तो
ये क्यों इसलिए लिया गया है, इधर हमको हाइट लेना है, जितना हो सके उतना नीचे का स्पेस को हमको हाइट लेने का था, उसकी वजह से जो है ना हम इसका राइज़र जो है बढ़ाया गया। तो ये वाला देखिएगा, ये वाला देख सकते हैं, देखो जब मैं पैर रखता हूँ तो मेरे को जो है 3 इंच का कमी मिल रहा है यहाँ पर, ओके। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंच का कमी हमको मिल रहा है। सो होना बोल के लिया गया, होना बोल के क्यों लिया गया बोलो, अगर हम इधर 1-1 फीट का लिए समझो, लेने से क्या है यहाँ पर 4 के बदले 3 आता था, ये जो है ये लेवल पे आता था, मतलब इसके नीचे अच्छा सा क्लियर स्पैन नहीं मिल रहा था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा बड़ा लिया गया, ओके। एंड और एक चीज़, जब भी आप बाहर की तरफ लिए समझो लैंडिंग, कंपलसरी 9 इंच उधर एक बीम ज़रूर लीजिएगा, ये वाला बीम जो है एक्सटेंड वहाँ तक हो चुका है ताकि अच्छा सा लोड पकड़ सके, और ये हिडन बीम है प्लस ये वाला नॉर्मल स्टेयर्स, इसके ऊपर आप 9 इंच का ब्रिक वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था दोस्तों, बहुत ईजी तरीका है कैलकुलेशन करना, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ है बिल्कुल, बस सेम बेसिक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, यदि आप लोग स्टेप्स अपना घर में बना रहे हैं तो, अगर घर के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर का स्टेयरकेस में थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स आते हैं, 22 के बदले 25-26 तक स्टेप्स आते हैं। क्यों आते हैं बोलते, डिपेंड ऑन पार्किंग हाइट के ऊपर डिपेंड रहता। अगर ये वाला स्टेप्स आप बना रहे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जगह कितना होना है, यहाँ से इधर 7 फीट 7 स्टेप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस वो एक लैंडिंग एक 3 फुट 6 इंच का है, तो ये 7 फीट ऐसा 7 फीट हो गया, प्लस उसके अलावा उधर का एक 3 फुट 6 इंच जगह, यानी कि 8-10 फुट तक जगह हम यूटिलाइज़ किया गया, फिर उसके साथ ऐसा विड्थ में 3 फुट 6 इंच गया। क्यों 3 फुट 6 इंच लिया गया, ताकि उसके अंदर जो स्टेनलेस एसएस रेलिंग आता देखो, उसको भी एक 3 इंच का जगह चाहिए, तो 3 फुट 6 इंच के अंदर 3 इंच गए तो भी 3 फुट 3 इंच क्लियर स्पैन मिल जाता, उसकी वजह से वैसा लिया गया। फिर उसके अलावा ये जो है 1-1 फीट का नहीं लिया गया, 9-9 इंच का लिया गया, ताकि हमको जो है एक स्टेप ऊपर मिल जाएगा, उसके बाद ये यहाँ तक लैंडिंग को टच हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ऐसा खड़ा आ जाता है, फिर ऐसा कंटिन्यू जाके यहाँ पे रेस्ट करेगा, उधर जो है हिडन बीम लेके रेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक कैलकुलेशन करते समय बहुत ध्यान से रखना, अगर हम लेबर के हिसाब से गए समझो, ये मेरे को बहुत दिक्कत कर देता वो लेबर, और उसको बोला था ये 7 इंच का ले भाई, पहला वाला 9 इंच का ले, 7 इंच का ले उनको बोला था, बट वो नहीं लिया गया बिकॉज उसके पास प्लेट अवेलेबल था फर्स्ट बात। सो सेंटरिंग वाले को थोड़ा अच्छा ढूंढिएगा, ये हमारे इस साइड पे करने वाला सेंटरिंग थोड़ा बहुत कुछ हेड क्रैक है, हाइपर है, मतलब सही नहीं है समझो, फ्रेंडली रहना चाहिए कभी भी, ओके। तो ये था स्टेयरकेस, मैं एक बार टॉप व्यू से दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसको वीडियो को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। सभी व्यू से आपको दिखाऊंगा, ये साइड व्यू है, 7 स्टेप 7 फीट में गया, 1-1 फीट का हमारा टप्पा है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट भी रखा हूँ, ये 7-6 ऐसा, फिर उसके बाद यहाँ पर आया टप्पा, और ये हमारा नेक्स्ट लैंडिंग, इसके अंदर ये 3 फुट 9 इंच कुछ है, इसके अंदर 9 इंच का दीवार गया तो भी हमको जगह मिलता है, और रेलिंग जो है ना उधर से यहाँ पर लिया गया जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो भी आता है, इधर भरपूर जगह है, वहाँ यहाँ से वहाँ तक किधर भी आप लोग ले सकते हैं, ये कंटिन्यूस वाटर क्यूरिंग सिस्टम हम बनाए गए, अच्छा काम कर रहा है ये, देखिएगा पानी मार, इतना धूप में भी अभी भी पानी है, ये वाला तरीके से हम लोग किया गया, ठीक है, धन्यवाद।